हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस सी सेट पेपर टू की T5 सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर हम सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि पहले मैं अभी आपको वही टॉपिक्स करवा रही जिसके अंदर से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, जिनका हमें पता है कि हाँ जी हर साल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अगर हम देखते हैं तो 2018 के अंदर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर थे, ठीक है। एंड इन 2019 आपके 2 क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड थे। 2017 के अंदर भी 2 क्वेश्चन आपके आए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम, इस पे 2 टॉपिक्स पे तो हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते टाइम बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमें इसके ऊपर परम्यूटेशन अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, या फिर ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं तो परम्यूटेशन के अंदर देखिए आपके पास में मान लीजिए मैं कहती हूँ मेरे पास में ये 3 नंबर्स है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज दीज 3 डिजिट्स, हम किस तरह से इन 3 डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जब हमने वेज फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ में 2, 3 है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1, 3, 2, क्लियर है। फिर अगर हम 2 को आगे लेके आते हैं तो 2, 1, 3, 2, 1, 3, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2, 3, 1, क्लियर है। अगर हम 1 को आगे लेके आते हैं तो हमारे पास में 1, 2, 3 तो हो गया था। अगर आप मानते हो कि यहाँ पे हमने 3 ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 2, 1 या फिर 3, 1, 2। तो आपके पास में कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर पा रहे हो, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कितने वेज हैं आपके पास में, 6 वेज हैं, क्लियर। बट अगर आपके पास में क्वेश्चन ये है कि हाँ जी 1, 2, 3 इनको, ये आपके पास में 3 नंबर्स हैं और हम इनको अरेंज करना चाह रहे हैं, और जो इनका ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वो आपका मैटर नहीं करता, मीन्स यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई 1, 2, 3, ठीक है, 1, 3, 2, मीन्स दोनों आपके एक तरह से अलग अलग नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर नहीं मैटर करता है तो वही 3, क्लियर है। तो उस केस के अंदर जैसे कि मान लो मैं कह रही हूँ कि 3 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, 4 के अंदर से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं या कुछ भी है, तो उसके अंदर जो आपका जो 3 है तो वो वही 3 लोग। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि जब आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, तो आपके पास में कितने तरीके से अरेंज कर पा रहे हो आप, 1 वे से, क्लियर। तो अगर आपका ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, कॉम्बिनेशन, कि आप कहते हो कि जो ऑर्डर है वो जो कुछ मर्जी हो, ठीक है जी, तो उस केस के अंदर आपका कॉम्बिनेशन यूज करोगे। अगर हम कहते हैं कि नहीं जी 1, 2, 3 और 1, 3, 2 डिफरेंट डिफरेंट है, क्लियर है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, परम्यूटेशन यूज करोगे। आई होप पता चल गया होगा कि परम्यूटेशन कहाँ पे यूज करना है एंड कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। मीन्स मेरे कहने का भाव क्या है कि अगर 1, 2, 3 और 1, 3, 2 को अगर हम सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 2 पर्सन है, ये 3 पर्सन है, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, ठीक है जी, ये 3 पर्सन है। अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ जी इनकी पोजीशनिंग करनी है मैंने, कि इसको कहाँ बिठाऊँ, इसको कहाँ बिठाऊँ, इसको कहाँ बिठाऊँ, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, इनकी पोजीशन हम मान लो मैं यहाँ पे, ये अपने 3 पर्सन है ए बी एंड सी, ठीक है, तो अगर मैं इनकी पोजीशनिंग करती हूँ, भाई यहाँ पे ए को बिठा देते, यहाँ पे बी को बिठा देते, यहाँ पे सी को बिठा देते, एक तरीका हो गया। दूसरा ऐसे करते हैं, नहीं जी यहाँ पे ए को बिठा देते, यहाँ पे सी को बिठा देते, यहाँ पे बी को, तो वो एक दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, परम्यूटेशन, क्लियर। अब इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि भाई इन ये 3 लोग हैं और इन दोनों ने तीनों ने आपस में हैंडशेक करना है, ठीक है, हैंडशेक करना है, तो कितने हैंडशेक्स होंगे, क्लियर। तो अब देखिए उस केस के अंदर यहाँ पे ये जो 2 है, मान लो मैं कह रही हूँ कि भाई ये आपके 3 पर्सन हैं और इन्होंने हैंडशेक करना है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे देखो कि
ये जो पर्सन है ए, चाहे तो ए बी से हैंडशेक करे या फिर बी ए से हैंडशेक करे, फाइनली हैंडशेक तो ए की हो रहा है, समझ रहे है? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी भाई बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात तो ए की है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बी सी लिखें या फिर सी ए लिख सी बी लिखे, बात तो एक ही है। तो इस तरह का अगर हमारे पास में आता है कि हाँ जी हम उसको एक ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, मतलब ए बी और बी ए को एक ही कंसीडर करके चलना है, तो ऐसे केसेस में आप कॉम्बिनेशन का यूज करोगे, क्लियर। और अगर आप इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करके चलते हो, तो उस केसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि परमुटेशन का यूज करेंगे, क्लियर। हाँ जी, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसी टाइम पे दोबारा से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ओके। हाँ जी, तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको एक पॉइंट का पता होना चाहिए, वो क्या है आपके पास में, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, एन का, तो एन का फैक्टोरियल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन, क्लियर है, देन एन माइनस टू, कहाँ तक जाएंगे हम इनको मल्टीप्लाई करते हुए, ये हम लेके जाएंगे इसको, हाँ जी, इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक पहुंचोगे, वन तक पहुंचोगे, क्लियर, जब तक कि ये वन तक नहीं पहुंचाता। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहती हूँ कि मुझे थ्री का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो थ्री का फैक्टोरियल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है आपके पास में, थ्री है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू, कहाँ तक जाना है आपने, वन वन माइनस करते हुए वन तक, तो आपका फैक्टोरियल क्या आ गया यहाँ पे, हाँ जी, जो थ्री है, थ्री का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपके पास में, सिक्स, क्लियर है। सेम वे अगर हम फोर का फैक्टोरियल लेते हैं, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन, मीन्स आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 24, क्लियर, दिस इज द फैक्टोरियल। अब जब आपके पास में परमुटेशन फाइंड आउट करना है, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, परमुटेशन, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के लिए आपका फैक्टोरियल काफी मैटर करता है। जब आप परमुटेशन निकालते हो तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बनता है, एन पी आर, क्लियर, क्या होगा, एन पी आर मीन्स फैक्टोरियल ऑफ एन, मीन्स अगर आपको फैक्टोरियल आता है तभी आप कर पाओगे ना, फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब इसके अंदर एन क्या है, आर क्या है, अब यहाँ पे ये देखिए आपके पास में क्या था, वन टू मीन्स तीन नंबर थे आपके, और तीन ही आपके पास में क्या है, पोजीशन है, तीन नंबर है, तीन पोजीशन है, ठीक है, और उनको आपको अरेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फैक्टोरियल थ्री, देखिए अगर हम इस तरह से लिखने लग जाएंगे तो हमारे बहुत सारे टाइम लग जाएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। आपके पास जरूरी तो नहीं है तीन ही नंबर हो, आपके पास मान लीजिए 15 नंबर्स हैं, फिर आप कैसे करोगे, क्लियर। तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, अब आपके पास में तीन है और तीन में से अगर हम तीन ही माइनस करेंगे, मीन्स पोजिशन भी थ्री है आपके पास में और नंबर भी थ्री है, तो उस केस में क्या हो गया, फैक्टोरियल जीरो। और फैक्टोरियल जीरो, एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जो फैक्टोरियल जीरो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आपका वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, फैक्टोरियल थ्री। और फैक्टोरियल थ्री कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी मैंने आपको बताया फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करना है, तो थ्री इंटू टू कितना हो गया, थ्री इंटू टू इंटू वन, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में बच्चे, सिक्स आ जाएगा, क्लियर। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, सिक्स, दैट देखो यहाँ पे भी आपके पास में सिक्स आया था और यहाँ पे भी आपके पास में सिक्स आ गया। दैट मीन्स कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ पोजीशन एंड द नंबर्स, नंबर हो सके सिंबल्स हो गए या कोई अल्फाबेट्स हो गए, आर सेम, ठीक है, इन दैट केस ओनली यू कैन डू द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में थ्री नंबर्स हैं, थ्री पोजीशन हैं, तो आंसर क्या हो गया आपके पास में, फैक्टोरियल थ्री, क्लियर। अब इसी तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हो, तो कॉम्बिनेशन के केस में क्या बनाते हैं हम, एन सी आर, क्लियर है। अब यहाँ पे भी एन क्या है, सेम एन, दैट मीन्स कि टोटल नंबर्स डिजिट और द सिंबल्स, एंड आर द पोजीशन जिस
पोजीशंस के ऊपर आपने उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, क्लियर। अब यही केस उठा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में थ्री नंबर्स थे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में फैक्टोरियल थ्री एंड फैक्टोरियल आर। आपके पास में नंबर भी थ्री है और पोजीशंस भी थ्री थी, तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल जीरो, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास में वन। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या था, वन, क्लियर। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम रिपीटिशन अलाउड नॉट अलाउड का केस देख रहे हैं कि कैसे इसको करना है आपने। तो देखिए मान लीजिए आपके पास में ये तीन पोजीशन है, ठीक है, और आपके पास में मान लीजिए ये आपके पास में कुछ नंबर्स गिवन है, और क्वेश्चन क्या है कि इन फाइव नंबर्स को यूज करके, इन फाइव नंबर्स को या इन फाइव डिजिट्स को यूज करके आपको कुछ नंबर्स बनाने हैं जो कि इन तीन पोजीशंस पे आएंगे। आप कह सकते हो थ्री डिजिट का आपने एक नंबर तैयार करना है, क्लियर। तो अब देखिए आप इसको कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वन टू थ्री, वन थ्री फोर, वन फोर फाइव, इस तरह से। तो इसमें आपके बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे जितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस तरह से तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको मेथड बताया कि अगर आपकी सीक्वेंस जो है वो मैटर करती है कि वन टू थ्री एंड थ्री टू वन डिफरेंट है, तो उस केस में आप क्या करोगे, परम्यूटेशन का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स कितने हैं, डिजिट्स कितनी है जिनको अरेंज करना है आपका, फाइव है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में पोजीशंस कितनी है या डिजिट्स कितनी है जितनी आप जिस पे इनको प्लेस करना है, मीन्स लोकेशंस जो है, तो वो कितनी है आपके पास में, थ्री है, क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल फाइव डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल थ्री इंटू सॉरी फैक्टोरियल थ्री हो जाएगा आपके पास में, ये नहीं आएगा तो यहाँ पे थ्री नहीं होएगा, सॉरी टू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में परम्यूटेशन का रूल क्या है कि एन माइनस आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही होता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एन क्या है, फाइव, और आर क्या है आपके पास में, थ्री, तो एन माइनस आर कितना हो गया आपके पास में, टू हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे फाइव, अब फाइव फैक्टोरियल है तो नीचे भी आपके पास में टू फैक्टोरियल है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि टू फैक्टोरियल तक इसको लेके जाएंगे, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे भी आपके पास में क्या है, टू फैक्टोरियल है, क्लियर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में आंसर क्या आ गया, फाइव फोर जो ट्वेंटी इंटू थ्री, दैट मीन्स देयर आर 60 वेज बाय विच यू कैन अरेंज वन टू थ्री फोर इन थ्री डिजिट्स, क्लियर है। हाँ जी, अब आपके पास में जो क्वेश्चन है बच्चे, देखो इसको आप इस तरह से करने की, जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला ना अप्लाई करके, देखो डायरेक्ट इजी वे बता रही हूँ मैं आपको कि आप इसको कैसे कर सकते हो। देखिए आपके पास में थ्री पोजिशंस है, ठीक है, आपके पास में डिजिट्स कितनी है, फाइव डिजिट्स हैं। अब जो फाइव डिजिट्स हैं तो इन फाइव डिजिट्स के अंदर ये देखो आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, तो इन फाइव की फाइव में से आप इनमें से कोई भी पांच के पांच यूज कर सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखिए डायरेक्ट फाइव, क्लियर। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो जो फाइव है, फाइव तो यहाँ पे यूज हो चुका है क्योंकि हमने रिपीट तो करना नहीं, अब फाइव में से एक डिजिट आपके यहाँ पे यूज हो गई, तो बच गए कितने डिजिट्स हैं आपके पास में, बाकी आपके पास में फोर डिजिट्स हैं, तो रिमेनिंग डिजिट्स रह गई फोर, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाई, अब आपके पास में कितने डिजिट्स रिमेनिंग है, थ्री, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया बच्चे, अगेन 60, देखिए कितना आसान है, क्लियर। तो आप 60 बेस से उनको अरेंज कर सकते हो, आपको फॉर्मूला वगैरह ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेम वे अगर मान लो यहीं पे आपके पास में है कि ये थ्री पोजिशंस है और आपके पास में नंबर्स कितने हैं, फाइव, और क्या कह रहा है कि रिपीटिशन इज अलाउड, मीन्स कि आप नंबर को रिपीट, जो डिजिट हैं वो आपके नंबर के अंदर रिपीट हो सकते हैं, जैसे फाइव 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 एक नंबर हो सकता है, तो उस केस में देखो जो फर्स्ट डिजिट है इस पोजीशन पे आपकी फाइव के अंदर से कोई भी आ सकती है, अगेन यहाँ पे भी फाइव के अंदर कोई भी आ सकती है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है,
तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 125। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि ये डिजिट्स हैं, गिवन डिजिट्स हैं, ये गिवन पोजीशन है और आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है। क्लियर? सेम वे क्वेश्चन आपके पास में ये भी आ सकता है कि 0 to 9, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास में गिवन डिजिट्स हैं 0 to 9, दैट मीन्स 10 digits आर गिवन, ठीक है, एंड वी वांट टू मेक ए 3-digit नंबर। तो आपके पास में 3-digit नंबर आपने प्रिपेयर करने हैं और इन 3-digit नंबर के अंदर कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज यू कैन मेक, या इन टेल मी हाउ मैनी नंबर्स कैन बी प्रिपेयर बाई यूजिंग दीज 10 digits। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 to 9 10 digits है, 10 digits के अंदर से आप ये बताइए मुझे 10 की 10 digits आप यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 0 यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 0 यूज करते हो तो आपका 2 digits नंबर रह जाएगा, तो यहाँ पे आप कितने यूज कर सकते हो, 9 digits यूज कर सकते हो, 1 to 9। अब यहाँ पे देखिए जो डिजिट यहाँ पे आपकी यूज हो गई है वो तो आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, दैट मीन्स कि अगेन यहाँ पे तो हम 0 भी यूज कर सकते, कितने यूज कर सकते हैं हम, 9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अब आपके पास में 2 digits यहाँ पे यूज हो चुकी है, अब कितनी यूज कर सकते हैं हम, 8, ठीक है। तो आपके पास में ये कितना हो गया, 81 हो गया, और इसको आप 8 से करते हो तो ये हो गया आपके पास में 8 एंड 8, ठीक है। तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, 648 भी। क्लियर? और एंड इफ रिपीटेशन इज अलाउड उस केस में आप क्या क्या पास में आंसर आ जाएगा, 9 into 10 into 10। क्लियर? हाँ जी, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आई थिंक मूव कर सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया, साथ में हाँ जी प्रोबेबिलिटी रह गया, और ये और देखते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में क्या होता है आपके पास में कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर कहता है कि हाँ जी आप बताए कितने क्या प्रोबेबिलिटी है कि मान लीजिए अपने पास में एक बॉक्स है उसके अंदर 5 balls हैं, ठीक है, तो कह रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 5 balls के अंदर, रेड कलर की बॉल्स हैं मान लीजिए, कुछ रेड हैं और मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पास में 5 balls हैं, 3 आपके पास में रेड हैं, ठीक है, और 2 आपके पास में ब्लैक हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है कि हाँ जी ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनके अंदर से मेरे पास में रेड बॉल मिलेगी मुझे अगर मैं उसके अंदर से निकालती हूँ। तो यहाँ पे उस केस के अंदर क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि रेड तो 3 है ना, 3 के अंदर से हमने 1 निकालनी है तो 1 ही वे होगा, तो इसके अंदर बच्चे हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब 5 है अपने पास में टोटल बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/5, ठीक है। और अब आप क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छे से समझ पाओगे। एक बार सभी के मैं फॉर्मूलेज आपको दे रही हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी। परमुटेशन ऑफ PNR दैट मीन्स फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। पी क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेट, एंड आर इज द नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या है, सी एन आर दैट मीन्स फैक्टोरियल ऑफ एन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई है फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। क्लियर? हेयर अगेन n is the total number of object and r is the number of the choosing object from the set, or you can say the number of positions. Clear? अब probability and the probability का है आपके पास में number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Clear? So बढ़ते आपने आज के 5 questions की तरफ। तो आपका first question है आपकी screen पे। अब आपको खुद को पता होना चाहिए question को देख के कि हाँ जी मैं यहाँ पे क्या apply करूँ, permutation लगाऊँ, combination लगाऊँ या फिर मैं probability लगाऊँ, ठीक है। तो अब देखिए question क्या है, कह रहा फॉर ए स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट्स मीट सॉरी ए विनर स्टैंड कंप्राइजिंग 3 wooden blocks इन द फॉलोइंग फॉर्म। आपके पास में देखिए इस फॉर्म के अंदर एक वुडन ब्लॉक है, इनके ऊपर जो विनर है उनको स्टैंड होना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देर आर 6 different colors अवेलेबल टू चूज फ्रॉम एंड ईच ऑफ 3 wooden blocks इज टू बी पेंटेड सच दैट नो 2 देम हैव सेम कलर्स, मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यही कह रहा है कि 2 colors आपके सेम नहीं होने चाहिए। एंड इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द विनर स्टैंड
स्टैंड बी पेंटेड, जो ये विनर स्टैंड है इसको कैसे हम पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्टैंड है इसके अंदर एक तरह से आपके पास में थ्री पोजीशंस गिवन है, ठीक है, जिनके ऊपर आपको पेंट करना है। और टोटल कलर्स कितने गिवन है आपके पास में, यहाँ पे कितने कलर्स गिवन है बच्चे, सिक्स कलर्स गिवन है। और उसने क्या कहा है यहाँ पे, उसने क्या कहा है कि नो टू कलर्स ऑफ देम हैज द सेम कलर, कोई भी दो कलर सेम नहीं होने चाहिए। तो देखिए ये जो ब्लॉक है इसको आप सिक्स के अंदर से कोई भी मर्जी ले सकते हो, सिक्स वेज से, सिक्स कलर से, सिक्स में से अपनी मर्जी है, कोई मर्जी कलर हम यूज कर सकते हैं। अब एक कलर तो यूज हो गया, अब जो यूज हो गया उसको आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे फाइव ले सकते हो, फाइव वेज जो बाकी के फाइव कलर है उन्हीं को यूज करोगे। अब दूसरा भी यूज हो गया, अब कितने कलर्स रह गए आपके पास में, फोर कलर्स रह गए हैं। क्लियर? तो आपके पास में देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ गया, आज जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 120 आपके पास में आंसर आ गया। देखिए कितना इजीली आपने कर लिया, कितनी देर का क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए। और दूसरा अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या यूज हो रही है आपकी, परम्यूटेशन यूज हो रही है। और आप इसको कैसे करोगे, 6p3, 6p3, तो आपके पास में यही आंसर आएगा। क्लियर है? क्योंकि सिक्स हमारे पास में कलर्स हैं एंड थ्री जो है वो आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पेंट करने हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन सीसेट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, क्या है, हाउ मैनी डायगनल्स कैन बी ड्रॉन बाई ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागनल। एक आपके पास में ऑक्टागनल है, ऑक्टागनल क्या होता है, जिसकी एट साइड्स होती हैं। तो एक ऑक्टागनल अभी आपके लिए एक ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए दिस इज, देखिए मेरा पेन तो ऐसा ही चल रहा है थोड़ा सा, तो आई होप समझना है आपने, जस्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है। एक आपके पास में ऑक्टगनल है, ऑक्टगनल क्या होता है, जिसके आपके पास में एट साइड्स हैं। और देखिए ये साइड साइड साइड्स मैंने बराबर बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि डायगनल्स कितने हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम इस पॉइंट को लेते हैं, मान लीजिए दिस इज द ए पॉइंट, ए बी सी हमारे पास में एट पॉइंट्स हो गए, डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास में कितने पॉइंट्स हैं, एट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है जो देखने वाला है, वो क्या है कि ये क्या कह रहा है कि डायगनल्स बनाने। तो मुझे ये बताइए कि ये एक डायगनल है या नहीं है, दिस इज नॉट ए डायगनल, डायगनल है नहीं है, डायगनल है कौन सा, हाँ जी अगर हम इसके अंदर से अगर देखते हैं कि डायगनल कौन सा है, तो डायगनल इसके अंदर कौन सा है, देखिए अगर यहाँ से इस पोजीशन से अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ तक लेके आ रही हूँ मैं, तो दिस इज ए डायगनल, ठीक है। अब इस एक नंबर से ये मेरा ये डायगनल है, ठीक है। इसी तरह से इसी नंबर, ये जो हमारी पोजीशन है, ये जो वर्टिसेस है, यहाँ से इसको अगर मैं लेके जाऊंगी, अगेन दिस इज ए डायगनल। अगर इस पोजीशन से मैं इसके साथ में इसको मूव करवाती हूँ तो भी अगेन डायगनल। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि हाँ जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं लेके जा रही हूँ, मेरे पास में कितने पॉइंट्स हैं, एट पॉइंट्स हैं, एट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एट पॉइंट्स के साथ में मैंने कितने पॉइंट्स को आपस में मैच करना है, टू टू पॉइंट्स को मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बीई, जो बीई और बीई और आपके पास में ई बी, मुझे ये बताइए कि इसके लिए हमारा एक डायगनल बन रहा है या अलग अलग डायगनल बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इससे हमारा एक ही डायगनल बन रहा है, दैट मीन्स बी ई एंड ई बी आर सेम, दोनों की दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कंसिडर करके चलेंगे, वन कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स क्या है ये, परम्यूटेशन का केस है या कॉम्बिनेशन का केस है, अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या है ये कॉम्बिनेशन का केस है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एट सी टू, क्यों, क्योंकि हमारे पास में टू पॉइंट्स को यूज करके एक हमारा डायगनल बन रहा है, ठीक है। अब साथ में उसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि ये जो है आपके पास में जैसे बी सी सी डी, दिस इज नॉट ए डायगनल। और इस तरह से हमारे पास में कितनी लाइंस ड्रॉ हो रही है, एट लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है। तो वो भी इसके बीच में ही है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया आपके पास में, एट इंटू सेवन, ठीक है, इंटू फाइव
फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय, अगर हम 8 माइनस 2 करते हैं अगेन आपके पास में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 2, ये 6 से 6 आपके पास में आउट हो गया। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 से ये कितना हो गया आपके पास में, हो गया 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। इसके अंदर से उसने क्या कहा, 8 को माइनस करना है। जब इसके अंदर से जब आप 8 को माइनस करते हो तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्लियर, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया होगा। क्या कहा है कि जो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स टू पॉइंट्स को मिला के आपके डायगोनल्स बनेंगे, बट बी सी सी डी इनको मिला के भी एक लाइन बन रही है, तो ये बट डायगोनल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हाँ जी, इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, इन हाउ मैनी वेज 8 पर्सन कैन हैंडशेक टू ईच अदर। ठीक है, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 8C2 इज द आंसर, 28 वेज। क्लियर, अब अगर उसी के अंदर से आ जाए कि हाँ जी जो उसके एडजेसेंट पर्सन है उन्होंने उनके साथ में हैंडशेक नहीं करना, तो क्या करेंगे, यही सेम केस बन गया, आंसर आ जाएगा आपके पास में अगेन 20। जो इनके देखिए जो एडजेसेंट पॉइंट है इनको नहीं काउंट करना, अगर ये कहता है तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपका डिटेल सॉल्यूशन है, एक बार वही है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए आपके, NC2 - N, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ गया 20। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ए बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स। एक बैग है, उसके अंदर आपके पास में कितनी है, 15 रेड बॉल्स है, ठीक है, एंड 20 ब्लैक बॉल्स, और 20 क्या है आपके पास में, ब्लैक बॉल्स है। क्लियर, ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1, 2 और 3, और हर एक बॉल पे 3 नंबर मेंशन किए हुए हैं आपके, 1, 2 and 3। 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर 1 एंड 40% ऑफ देम आर नंबर 3। सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2 एंड 30% आर नंबर 3। देखो मैंने परसेंटेज की क्लास में भी बताया था कि जो परसेंटेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और परसेंटेज को दूसरे किसी टॉपिक के साथ भी कंबाइन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज एंड आपका प्रोबेबिलिटी दोनों को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आगे क्वेश्चन, ए बॉय पिक ए बॉल, एक लड़का है जो बॉल को पिक कर रहा है एट रैंडम। ही विंस, वह जीतता है कब, इफ द बॉल इज रेड, अगर बॉल क्या है, रेड है, एंड नंबर 3। तो पहले हमें 3 का केस करना है, क्या कह रहा है कि रेड बॉल कब विन हो रहा है, वो कि अगर आपके पास में रेड बॉल है और उसके ऊपर नंबर क्या है, 3 है, या फिर एक तो केस आपका ये हो गया आपके पास में, ठीक है, और जब आपके पास में और गिवन होता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, प्लस। ठीक है, अगर आपके पास में एंड गिवन है तो उस केस में आपने क्या करना है, माइनस। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है कि इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2, अगर ये ब्लैक कलर की है, और दूसरा केस क्या कहा है उसने कि जो बॉल है वो क्या है, ब्लैक कलर की है, तब भी वो विन करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर नंबर क्या है, 1 है, या फिर अगेन और आ गया तो आप क्या करोगे, प्लस। तो अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ विनिंग, चांसेस ऑफ विनिंग दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। क्लियर, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो रेड जो है, रेड के केसेस देखिए आप, रेड के अंदर जो ये 15 है और उसका नंबर 3, तो यहाँ पे क्या था कि 40% ऑफ देम आर नंबर 3, 40% के ऊपर क्या है, 3 नंबर है, तो 15 बॉल्स है, ठीक है जी, इसका 40% कितना हो गया, हाँ जी 40% कितना होता है आपके पास में, हाँ जी 40%, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि 2/5 होता है आपके पास में। क्लियर, तो ये आपके पास में हो गया 3, कितना हो गया 6, दैट मींस ये आपके पास में कितना हो गया 6। क्लियर, प्लस अब कह रहा है कि ब्लैक और रेड, ब्लैक बॉल एंड द नंबर्ड 1 और 2, अब यहाँ पे 1 और 2 का केस देखते हैं, हम ब्लैक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप बढ़िए, यहाँ पे है अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2, 45% जो है उस पे क्या है, नंबर 2 है, क्लियर, एंड 30% आर नंबर 3।
अब 45% के अंदर से आपके पास में 2 है 45% पे, 30% 45 के अंदर से बच गई, कितने आपके पास में 55% रिमेनिंग है। अब इस 55 के अंदर से कह रहा है कि जो 30% है उसके ऊपर नंबर क्या है, 3 है। तो अगर जो 3 है तो इस 30% को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में कितना बच गया, 25% बच गया। क्लियर, दैट मीन्स 25% जो 45% है, ठीक है, ये आपके पास में कौन सी हो गई, वन नंबर वाली ब्लैक बॉल्स, ठीक है जी। एंड 25% जो है वो कौन सी हो गई है आपके पास में, हाँ जी, जिनके आप पास में जो क्या है आपके पास में कौन सी है आपकी जिसपे नंबर वन है। क्लियर, तो टोटल कितनी होगी ये आपके पास में, 70%। तो अब यहाँ पे देखिए 70%, 70% मीन्स 70/100 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स अपने पास में कितनी थी, 20। क्लियर, तो ये आपके पास में कितना हो गया बच्चे, 14 हो गया डिवाइडेड बाय 14। क्लियर, एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अब ये हमारे पास में फेवरेबल केसेस आ गए, फेवरेबल केसेस कितने हो गए आपके पास में, 6+14 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स, तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास में, 35। तो डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे यहाँ पे, 35। क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास में कितनी आ गई, 20/35, तो ये आ गया आपके पास में 4 एंड दिस इज 7। तो आंसर क्या आ गया, 4/7 आंसर क्या आ जाएगा, बी। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, क्या है कि आपके पास में 15 रेड बॉल्स हैं, 20 ब्लैक बॉल्स है, उसके अंदर से कह रहा है कि एक बॉय है, ही पिक्स ए बॉल एट रैंडम, ही विंस इफ द बॉल इज रेड। तो हमें पहले रेड निकालनी है, तो रेड यहाँ पे इसने कहा है कि जो रेड है वो कितनी है, 40% रेड कलर की बॉल्स जो जिसपे नंबर 3 है, तो वो आपके पास में आ गई 6। इसी तरह से उसने कहा है कि ब्लैक कलर की बॉल जिसपे या तो 1 है या तो 2 है, तो ये आपके पास में कितनी है, आपके पास में 70% है, तो इससे आपने ये फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपके फेवरेबल जो केसेस है वो कितने हो गए, 20, एंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए आपके पास में 35। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, 4/7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको दिया है। ये मैं आपको फुल सॉल्यूशन अगेन क्यों दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, क्योंकि वहाँ पे जस्ट हम समझा रहे हैं आपको, सारा नहीं लिख रही हूँ मैं, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पे अगेन मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 35। अब ये कह रहा है कि विनिंग की कंडीशन क्या है, एक तो रेड होनी चाहिए और नंबर 3 होनी चाहिए, दूसरा क्या है, ब्लैक होनी चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है। अब रेड कलर की बॉल अगर हम देखते हैं तो कितनी बन रही है, 6, और ब्लैक कलर की बॉल्स अगर हम देखते हैं तो कितनी आ रही है, 1-2 वाली आपकी 70%। तो ये आपके पास में क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी मींस फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो ये आपके पास में आ गया 4/7। क्लियर, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्या है जो 2019 में आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स That can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines. अब देखिए 4 parallel lines है आपके पास में, 1, 2, 3 and 4। क्लियर, उसके बाद में क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द 4 parallel lines। ये आपके पास में कोई भी 4 parallel lines और गिवन है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपका कि द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, अब पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी जो ये जो साइड्स हैं ये क्या होती हैं, पैरेलल है, दिस इज द पैरेललोग्राम। अब जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर ये आपकी साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो जो आपका स्क्वायर होता है वो भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। सेम वे जो आपके पास में रेक्टेंगल है, दैट इज अगेन ए पैरेललोग्राम। मेरी पैरेलल लाइन नहीं बन रही है क्योंकि मैं जस्ट समझा रही हूँ, मैं आपको इससे नहीं प्रॉपर बन पा रहा, बट आप समझिए पैरेलल लाइंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि कितने बन रहे हैं आपके पास में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लीजिए, स्क्वेयर फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए ये आपके पास में हो गया 1, 2, 3, और इस तरह से करोगे तो आप ये हो गया, इस तरह से तो आपके पास में गलती के भी चांसेस हैं। तो वहां पे आप पॉइंट ये देखिए कि अपने पास में ये 4 लाइंस हैं, इन 4 लाइंस को आप इन 4 पोजीशंस पे कैसे आप कर पा रहे हो, तो 4 से 2 लाइंस बनानी है हमने, तो ये क्या हो गया आपके पास में 4
टू, क्लियर है। इसी तरह से दूसरे फोर का पेयर है आपके पास में, एक तो ये फोर वाला पेयर है आपके पास में जो वर्टिकल लाइंस है, ये फोर लाइंस बन रही है आपकी, ठीक है। दूसरा कौन सा पेयर है जो आपके पास में, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। तो इसके अंदर से भी क्या बन जाएगा आपके पास में, फोर सी टू। तो ये फोर सी टू को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी, फोर इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका भी सिक्स कर आएगा सॉल्व करके, और इधर से भी आपके पास में सिक्स आ जाएगा। सिक्स इंटू सिक्स कितना होता है आपके पास में, हाँ जी, सिक्स इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 36। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 36, क्लियर है। हाँ जी, इसी तरह का वैसे भी जो रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास में इस तरह की कोई शेप दी हुई है और क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वो भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप इसी तरीके से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे आपके पास में ये फोर का पेयर आ जाए, चाहे आपका फाइव का पेयर आ जाए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है शेप के बाद में, तो ये देखिए आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसको लिखिए वन टू थ्री फोर, ठीक है। इनको जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, हाँ जी कितना है ये आपके पास में, ये वन टू थ्री फोर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास में है फाइव लाइन्स है, देखो यहाँ पे आपके पास में कितनी लाइन्स थी, फोर लाइन्स थी, यहाँ पे कितनी लाइन्स है, फाइव लाइन्स है, वन एक ही होगी, टू थ्री फोर फाइव। तो अभी आप इसको करोगे तो ये हो गया आपके पास में सेवन सेवन एंड थ्री टेन, क्लियर। इसी तरह से जब आप इधर से टोटलिंग करोगे तो भी आपके पास में कितना हो गया, टेन, ठीक है। तो टेन इंटू टेन कितना हो गया आपके पास में, हंड्रेड। तो आंसर क्या आ जाएगा, हंड्रेड। तो नंबर ऑफ अगर रेक्टेंगल्स आपका फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो भी ऐसे ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी तो देखो यही बन रहा था, वन टू एंड थ्री, जब आप इसका टोटल कर रहे हो तो यहाँ पे कितना बन रहा है टोटल, सिक्स, ठीक है। और यहाँ से जब आप कर रहे हो तो भी सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स इज 36, क्लियर। अब इसका अगेन सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। टू फॉर्म द पैरेललोग्राम वी रिक्वायर्ड ए पेयर ऑफ लाइंस, एक पेयर ऑफ लाइन चाहिए हमें, सेट ऑफ फोर लाइन्स, फोर में से एक लाइन चाहिए। तो फोर में से हमारे लाइन कितने पॉइंट्स को मिला के बनेगी, टू पॉइंट्स को मिला के बनेगी, तो ये लाइंस बन गई हैं, ठीक है। सेम भी आपके पास में दूसरे फोर पे लाइंस के अंदर से ये हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच फेस ऑफ ए क्यूब कैन बी पेंटेड इन ए ब्लैक और वाइट कलर। एक क्यूब है, क्यूब आपने सभी ने देखा है, तो क्यूब जो है उसके फेसेस कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है फेस, ठीक है। तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, हाँ जी क्यूब के कितने फेसेस होते हैं बच्चे, सिक्स फेसेस होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि उसके हरेक फेस को पेंट करना है किससे, ब्लैक या व्हाइट से, मीन्स या तो आप ब्लैक से कर सकते हो या व्हाइट से, मीन्स ईच फेस को आप कितने वे से कर सकते हो पेंट, टू वे से, कितने वे से कर सकते हो आप, टू वे से, मीन्स फैक्टोरियल टू एंड यहाँ पे हो गया आपके पास में टू, क्लियर। एंड नंबर ऑफ फेसेस आर सिक्स, तो सिक्स फेसेस को आप कितने वे से कर सकते हो, सिक्स इंटू टू दैट मीन्स 12, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 12। स्टूडेंट, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, कोई चार्जेस नहीं है। और वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। मान लीजिए अभी आप ये आपके हमारी फिफ्थ वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो आपको फोर्थ देखनी है, तो आप क्या करोगे कि वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी देखने को मिलेंगी, तो वहाँ से आप फोर्थ को कर सकते हो। इसी तरह से थर्ड या फर्स्ट जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो उसको इजीली देख सकते हो। तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है लिंक अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन का, क्लियर है।
हाँ जी, तो सॉल्यूशन देखें हम। सॉल्यूशन है आपके पास में अगेन वही है, सिक्स फेसेस है, सिक्स वेज है, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 12 वेज से। दूसरा अगर हम देखते हैं फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू अगेन 12, या फिर 6 इंटू फैक्टोरियल टू, ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चे, 12। क्लियर? हाँ जी, तो नेक्स्ट आप देखते हैं, क्लियर मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी हमने बड़े अच्छे से करना है। हमारे कुछ माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका भी लिंक गिवन है आपका डिस्क्रिप्शन में, तो उनको आप कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो सारा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।